हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 38 में, प्रभु यीशु अपने दुखभोग से पहले गेतसमने बाग में प्रार्थना में लीन थे। उनका दिल दुख से भरा हुआ था क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके आने वाले संकट दिखाई दे रहे थे, उनका दुखभोग दिखाई दे रहा था, लोगों का तिरस्कार, शारीरिक पीड़ाएं, सब कुछ यीशु की नजरों के सामने दिखाई दे रहा था। इसलिए प्रभु यीशु अपने साथ अपने 3 मुख्य शिष्यों को ले गए प्रार्थना के लिए और उनसे कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना करने के लिए आगे गए और प्रार्थना में लीन थे। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 36 में भी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यानी प्रभु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि जाग कर प्रार्थना करते रहो, जाग कर प्रार्थना करना, अपनी नींद को छोड़कर प्रार्थना करना। कब हमें जागना पड़ता है? रात के समय जागना पड़ता है, दिन को तो हम जगे हुए रहते हैं। प्रभु ने शिष्यों से कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। तो प्रभु हमें सिखाते हैं कि जाग कर प्रार्थना करने में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु हमें सिखाते हैं कि रात के समय प्रार्थना करने में बहुत बड़ी शक्ति है। हम पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 119 उसके वाक्य 148 में, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहीं। देखिए, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहीं। यानी स्तोत्रकार कहता है कि मैं रात को जागकर तेरे पवित्र वचनों को पढ़ता और उस पर मनन चिंतन किया करता हूं। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहीं। उसी अध्याय के वाक्य 147 में स्तोत्रकार कहता है मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, सूरज के उगने से पहले अंधेरे में रात के समय मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तेरे साथ प्रार्थना में लीन रहता हूं। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 18 में पढ़ेंगे कि जो प्रातः उसकी खोज में लगा रहता है उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। यानी जो सूरज के उगने से पहले अंधेरे में ही यानी रात में प्रभु की खोज में लगे रहता है उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। हम स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 119 उसके वाक्य 148 में पढ़ते हैं तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही। यानी तेरे पवित्र वचनों को पढ़ने के लिए, तेरे पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए मैं रात को जागता रहा, मेरी आंखें खुली रही। उसी अध्याय के वाक्य 147 में आप पढ़ेंगे मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, अर्थात रात को ही तुझे पुकारता हूं, तुझसे प्रार्थना करने के लिए समय निकालता हूं। सुबह होने से पहले प्रभु, अंधेरा मिटने से पहले मैं तुझसे जुड़ने के लिए, तुझसे प्रार्थना करने के लिए समय निकालता हूं। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 18 में कि जो प्रातः उसकी खोज में लगा रहता है उसे कृपा, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। यानी सूरज के उगने से पहले ही जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, प्रार्थना में समय बिताता है, उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। स्तोत्र 119 उसके वाक्य 62 में हम पढ़ेंगे, स्तोत्र 119 उसके वाक्य 62 में दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है मैं आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूं, मैं आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूं। स्तोत्र 42 उसके वाक्य 9 में भी यही बात लिखी हुई है मैं रात को जीवंत प्रभु की स्तुति करता हूं। एक विश्वासी
रात को जागकर प्रभु के वचन को पढ़ता है, उस पर मनन करता है। एक विश्वासी सूरज के उगने से पहले ही जागकर प्रभु के साथ प्रार्थना में लीन होता है। एक विश्वासी रात को सोता जरूर है, लेकिन उस समय भी उसका हृदय, उसकी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। रात को जागकर प्रार्थना करना, आप पढ़ेंगे शोक ग्रंथ के, शोक ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 19 में, 18 और 19 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको निरंतर रोते रहो। अगला वचन वाक्य 19, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। ये विशेष करके माता पिताओं के लिए, धर्म गुरुओं के लिए, हम आगुओं के लिए हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आज युवक युवतियां भ्रष्ट हो रहे हैं, उनका मार्ग गलत है, नशे में, गंदी आदतों में, अश्लीलता में, गंदे रिश्तों में हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। प्रभु कहते हैं रात को उठो और चिल्लाओ, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करो। रात को उठो, प्रभु के सामने प्रार्थना करो। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं प्रभु येसु के जीवन में, प्रभु येसु ने रात को प्रार्थना की। वचन में लिखा हुआ है प्रभु येसु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। सार्वजनिक जीवन शुरू करने से पहले, सुसमाचार का प्रचार शुरू करने से पहले प्रभु येसु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ेंगे, प्रभु येसु अपने 12 प्रेरितों को नियुक्त करने से पहले, चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना में बिताते हैं। लूकस अध्याय 6 वाक्य 12 और 13, पूरी रात प्रभु प्रार्थना में बिताते हैं। शायद प्रभु येसु अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता मुझे बता कि मैं किस वर्ग के लोगों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करूं, किस तरह के लोगों को स्वीकार करूं, हो सके पिता उनका चेहरा मुझे दिखा ताकि दिन के समय मैं उनको देखूंगा, मैं उनको बुलाऊं और वे मेरा अनुसरण कर सके। रात भर प्रभु प्रार्थना में बिताए, तभी अगले दिन सुबह उठकर प्रभु ने अपने 12 प्रेरितों को चुना और नियुक्त किया। प्रभु येसु के जीवन में रात के समय प्रार्थना के लिए बहुत समय दिया जाता था। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 37 और 38 में, ईसा दिन में मंदिर में शिक्षा देते थे, परंतु वह शहर के बाहर निकलकर जैतून पहाड़ पर रात बिताते थे और सब लोग उनका उपदेश सुनने के लिए सवेरे मंदिर में आ जाते थे। देखिए प्रभु येसु रात के समय जैतून पहाड़ पर प्रार्थना में बिताते थे और बड़े सवेरे मंदिर में जाकर वचन सुनाते थे, ईश्वर के राज के बारे में घोषणा देते थे। यानी प्रभु रात में प्रार्थना करते थे, दिन को लोगों को वचन सुनाते थे। इसी प्रकार आपको मिल जाएगा मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके 46 में, मार्कुस अध्याय 6 वाक्य 46 में, प्रभु येसु ने हजारों लोगों को खिलाया, उसके बाद अपने शिष्यों से कहा कि तुम उस पार चले जाओ, नाव में बैठकर वे उस पार की ओर चल दिए और प्रभु येसु अकेले में जैतून पहाड़ के पास रह गए प्रार्थना में लीन होकर। प्रभु येसु कई रातें प्रार्थना में बिताते थे। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे प्रभु येसु के शिष्य प्रेरित भी प्रार्थना में समय बिताते थे रात के समय। प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य 25 से आप पढ़ेंगे, प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य 25 से, पौलुस और सीलस बंदीगृह में पड़े हुए थे, वे चोट खाए हुए थे, बंदी बना लिए गए थे, बंदीगृह में पड़े हुए थे, लेकिन वचन में लिखा हुआ है आधी रात को भी वे प्रभु का गुणगान कर रहे थे, स्तुतिगान कर रहे थे। रात के समय वे प्रार्थना कर रहे थे। एक विश्वासी की आत्मा सतत प्रार्थना में लीन रहती है, वो जहां कहीं भी जाए, चाहे जेल में भी जाए, वहां पे भी वो प्रार्थना करता है, उसकी आत्मा प्रार्थना में लीन रहती है।
और इसलिए हम जानते हैं उस समय क्या चमत्कार हुआ था, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ। इसी प्रकार प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे कि पेत्रुस जेल में रखा हुआ था और हेरोद ने पेत्रुस को बंदी बना लिया था, बंदी गृह में रखा था, अंदर के कमरे में रखा हुआ था। वचन में हम पढ़ते हैं उस समय विश्वासी लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना में लीन थे। रात के समय जब पेत्रुस सोया हुआ था बंदी गृह में, स्वर्गदूत आता है और पेत्रुस को चमत्कारी ढंग से बंदी गृह से बाहर ले जाता है। और पेत्रुस जब उस रात के समय एक विश्वासी के घर पे पहुंच जाते हैं, खटखटाते हैं, तो वहां पर विश्वासी लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना में लीन थे। यानी रात के समय वे पेत्रुस के लिए प्रार्थना कर रहे थे और इसलिए प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनकर पेत्रुस को चमत्कारी ढंग से उस बंदी गृह से बाहर लाए। इसी प्रकार हमें बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में देखता हूं, मेरे जीवन में और आश्रम से संबंधित और मेरे सेवा कार्य से संबंधित बहुत सारे निर्णय रात के समय लिए गए हैं। कभी कभी और अक्सर मुझे प्रभु रात को सोने नहीं देते, और जब रात के समय जगे रहते हैं उस समय प्रभु हमसे वार्तालाप करते हैं, हमें सुनने को मिलेगा। जब नींद नहीं होती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, दूसरों को कोसते हैं, लेकिन वे ऐसे समय होते हैं जब प्रभु हमसे वार्तालाप करते हैं। बहुत सारी बातें जो हमें करने को हैं उनके बारे में प्रभु ने रात के समय मुझे समझाया है। बहुत सारे प्रवचनों के लिए प्रभु ने मुझे रात के समय तैयार किया है। प्रभु बोलने लगते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि रात को जागकर प्रार्थना करना बहुत कठिन है, दिन को प्रार्थना करना भी बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन है, तो रात को जागकर प्रार्थना करना बहुत कठिन होता है, विशेष करके अगर पेट भर खाना खाए हो उसके बाद रात को जागना तो नामुमकिन है। तो रात को जागकर प्रार्थना करना कठिन होता है। और यह भी एक सच्चाई है कि रात के समय बहुत सारे गलत गलत कार्य होते हैं, अपराध रात को ज्यादा होते हैं, चोरी डकैती रात के समय होती है, व्यभिचार रात के समय होता है, बलात्कार रात के समय होता है, बहुत सारे गलत गलत कार्य रात के समय होता है, रात के समय बहुत अपराध और पाप होते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी एक बात है कि रात के समय प्रभु अपने भक्तों से मिलने आते हैं, रात के समय प्रभु अपने भक्तों से मिलने आते हैं। देखिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उससे वार्तालाप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन दिन भर हम व्यस्त रहते हैं, हम उसको कान नहीं देते हैं। इसीलिए कभी कभी रात को प्रभु आते हैं, रात को हमसे वार्तालाप करने आते हैं, हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे कामकाज के बारे में, हमारी पीड़ाओं के बारे में हमसे बोलने के लिए रात के समय आते हैं। ये एक सच्चाई है। कई लोग ये सोचते हैं रात को नींद नहीं आती है, चलो स्लीपिंग पिल खा के सो जाएंगे, थोड़ा सा शराब पी लेंगे तो जल्दी सो जाएंगे। लेकिन कई ऐसी रातें हैं जब प्रभु हमारे पास आना चाहते हैं, हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हमें मिलेंगे। आप देखेंगे सैमुएल का पहला ग्रंथ उसका अध्याय 3 में, सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 में, आप जानते हैं सैमुएल की माँ हन्ना, हन्ना की कोई संतान नहीं थी, हन्ना ने मंदिर में आकर प्रार्थना की और प्रभु ने उसको एक संतान दी, उसका नाम है सैमुएल। हन्ना ने उस समय ये कहा था, अगर तू एक संतान देगा, एक पुत्र देगा, तो मैं उस पुत्र को तुझे समर्पित करूंगी। और जब उसने दूध पीना बंद कर दिया था, जब एक लड़का था, मान लीजिए 7-8 साल की उम्र में, हन्ना उसको ले आकर मंदिर में पुरोहित एली के पास छोड़ देती है, और सैमुएल वो छोटा लड़का मंदिर में पुरोहित के साथ पल रहा था। एक रात की बातें वचन में आप पढ़ेंगे, सैमुएल पड़ा हुआ था रात के समय प्रभु के मंजूषा के पास, मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर प्रभु के मंजूषा के पास सैमुएल पड़ा हुआ था, रात को सोया हुआ था। अचानक जब चारों ओर अंधेरा था, शांति थी, कोई आवाज नहीं, अचानक प्रभु सैमुएल के पास आते हैं। प्रभु ने आवाज दी, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल उठता है, अपने गुरुवर एली के पास जाता है, पूछता है कि गुरुवर, आपने मुझे बुलाया? उन्होंने कहा, नहीं बेटे, जाके सो जाओ। फिर सो गया, फिर आवाज आई रात के अंधेरे में,
प्रशांतता में, उस शांतमय वातावरण में सैमुएल सैमुएल, फिर सैमुएल उठा, फिर एली के पास गया, पूछा कि गुरु और आपने मुझे बुलाया? उन्होंने कहा नहीं बेटे, मैंने नहीं बुलाया। एली समझ गए कि शायद ईश्वर उससे बात करना चाहता है। कहा कि बेटा अगली बार तुझे आवाज दे तो बोलना, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। ऐसा ही हुआ। उस बालक सैमुएल ने कहा कि बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। उस रात के समय, उस रात के अंधेरे में प्रभु सैमुएल से बातचीत करते हैं इसराइल के बारे में, पुरोहित एली और उसके परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में। प्रभु ईश्वर उस समय से सैमुएल से बात करने लगते हैं। रात के समय उस अध्याय के वाक्य 19 में लिखा हुआ है, पहला सैमुएल अध्याय 3 वाक्य 19 में, कि ईश्वर ने सैमुएल से जो बातें की उसमें से एक बात को भी मिट्टी में गिरने नहीं दिया। ईश्वर ने सब पूरी हो गई। देखिए रात के समय प्रभु सैमुएल से बात करने आते हैं। आप पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में राजा सुलेमान के बारे में। राजा सुलेमान को उसकी युवावस्था में ईश्वर ने एक राजा के रूप में अभिषेक दिया। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है रात के समय सपने में ईश्वर उसको दिखाई देता है और पूछता है, बोल सुलेमान मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या दूं? आप जानते हैं सुलेमान ने कहा, प्रभु मैं तुझसे क्या मांगूं? तूने मुझे इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनाया है, मुझे विवेक दीजिए। उस जवाब से इतना खुश हुआ कि प्रभु ने ना केवल उसको विवेक बल्कि अन्य सारी चीजें भी दी, संपत्ति भी दी। रात के समय, रात को प्रभु अपने भक्त के पास आते हैं, अपने चुने हुए अभिषिक्त राजा के पास आते हैं। उसी तरह आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 में, मां मरियम का पति, होने वाला पति यूसुफ, जिसके साथ मंगनी हुई थी, जब यह पता चला कि वो गर्भवती है, उसे त्यागना चाहता था, उसे त्यागना चाहता था, लेकिन उस रात को स्वर्गदूत गब्रियल यूसुफ के पास आता है और यूसुफ को संदेश देता है, कहता है कि अपनी पत्नी मरियम को अपनाने के लिए संकोच ना करें, उसे अपने घर ले आए। रात के समय, तो जैसा कि मैंने कहा रात के समय बहुत सारे अपराध होते हैं, लेकिन रात एक ऐसा समय है जब प्रभु अपने भक्तों के करीब आ जाते हैं बोलने के लिए, संदेश देने के लिए, दिशा प्रदान करने के लिए। अगर रात को पिया हुआ है, सोया हुआ है, तो कैसे प्रभु हमारे पास आएंगे? अगर रात को हम गंदगी में बिता रहे हैं तो कैसे प्रभु हमारे पास आएंगे? एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, उनका कहना है सोने से पहले, 2 घंटे पहले से हम जो कुछ करते हैं उसका हमारे जीवन पर असर पड़ता है। सोने से 2 घंटे पहले तक हम लोग जो कुछ करते हैं, जिन जिन बातों पर हम मनन करते हैं इत्यादि, वो हमारे जीवन पर असर कर जाती है वे बात, सारी बातें, क्योंकि वो सारी बातें हमारे मन में कार्य करने लगती हैं और वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगती हैं। तो रात हम विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, अनोखा समय है, उसको बेकार जाने नहीं देना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी हम सो नहीं पाते रात के समय, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु हमें बहुत जल्दी जगाते हैं, कोई बात नहीं। कभी कभी जानबूझकर भी हमें रात को जागना पड़ता है, कोई बात नहीं, जागिए। एक विश्वासी के लिए दिन रात बराबर होता है, कोई फर्क नहीं होता है। अभी अभी कुछ देर पहले आपने सुना प्रभु यीशु रात को प्रार्थना में लीन थे, दिन को जाकर वचन सुनाते थे। रात को ना जागने से हमारे जीवन में एक प्रकार की शिथिलता या शारीरिक तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन अगर प्रभु के कार्य के लिए रात को जगे हैं तो दिन को कोई समस्या नहीं होगी। ऐसी रातें हुई हैं जब मैंने रात को एक या 2 घंटा सोया है, लेकिन दिन के समय लोग कहते हैं कि आप बहुत फ्रेश लगते हैं,
आप बहुत फ्रेश लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बहुत सोने से आप फ्रेश हो जाएंगे, कई लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा सोने से आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम सोते हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप से और अन्य रूप से संतुष्ट रहते हैं, तो उनके अंदर वो फ्रेशनेस रहता है, वो खूबी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रात को ना सोएं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो रात को सोते नहीं, सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं, वे लोग तो एक्सेंट्रिक हो जाते हैं, वे लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नींद भी आवश्यक है लेकिन कई रातें हम जाग कर भी बिता सकते हैं। हमारे आश्रम में 24 घंटा जब प्रार्थना चलती थी, आजकल 12 बजे तक बंद हो जाती है, 24 घंटा प्रार्थना चलती थी, कई रातें कई लोग ले लेते थे। वे अपने घरों से रात को चले जाते थे और सुबह घर जाते थे और अपना प्रतिदिन का जीवन जीते थे। कई लोग इस तरह रात को जागरण के लिए आया करते थे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साधना केंद्र हैं जहां पर रात्रि जागरण होते हैं, जहां पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। जब हम प्रभु के साथ जागते हुए रात का समय बिताते हैं, उस समय हमें कोई तकलीफ कोई थकान नहीं होती है। अगर हम बुराई में रात बिताएंगे, कितने भी घंटे हम सोएंगे, तब भी हमारे शरीर में थकान बनी रहेगी। तो कभी कभी हम रात को सो नहीं पाते हैं, उस समय जाग कर प्रार्थना करें। कभी कभी हम जानबूझ के भी रात को जाग कर प्रार्थना करें। रात्रि जागरण में बहुत बड़ी शक्ति है। रात को जाग कर प्रार्थना करने में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु की आवाज हम सुने, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कभी कभी शैतान से बचने के लिए, दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों और परीक्षाओं में सक्षम होने के लिए, बचने के लिए हमें रात्रि जागरण की आवश्यकता है, रात्रि प्रार्थना की आवश्यकता है।